तो हम लोग जो करने जा रहे हैं वो कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस होते हैं। 6 केसेस में अगर अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उसकी इमेज कहाँ कहाँ बनेगी। ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका ये फर्स्ट फोकस है F1, और इस फर्स्ट फोकस का डबल जो है 2F1, यानी डबल फोकस फर्स्ट फोकस का यहाँ पर है। सेकेंड फोकस F2 ये है, और इसका डबल ऑफ F2। देखो, सेकंड फोकस की वजह से ही आप फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव बताते हो कि कोई लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। सेकंड फोकस की वजह से, सेकंड फोकस को कैसे डिफाइन किया जाता है, जब किसी लेंस पे पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के आती हैं और कन्वर्जन या डाइवर्जन के बाद जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हुई अपीयर होती हैं या महसूस होती हैं या डायरेक्टली कन्वर्ज होती हैं या उस पॉइंट से निकलती हुई महसूस होती हैं, ठीक है, तो उस पॉइंट को सेकंड फोकस कहते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर से सुन लो। पैरेलल रेज जो आ रही हैं, सामने कॉन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, रिफ्रैक्शन के बाद अगर ये कन्वर्ज हो रही हैं, पैरेलल रेज कन्वर्ज हो रही, तो जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे कन्वर्ज हो रही हैं वो सेकंड फोकस होता है। लेकिन यही लेंस अगर कनकेव लेंस होता और पैरेलल रेज आती तो ये डाइवर्ज कर जाती, तो डाइवर्ज कर जाएंगी तो मिलेंगी तो नहीं आगे कहीं, तो इनको जब पीछे बढ़ाया जाता है तो ये किसी पॉइंट से बाहर निकलती हुई महसूस होती हैं, लगता है यहाँ से बाहर निकल रही हैं, तो जिस पॉइंट से बाहर निकलती हुई महसूस होती हैं वो आपका सेकंड फोकस होता है। तो कनकेव लेंस में जो सेकंड फोकस होता है लेंस के लेफ्ट साइड में होता है, अगर रेज इधर से आ रही हैं तो इधर सेकंड फोकस होगा, जबकि कॉन्वेक्स लेंस में इस लेंस में सेकंड फोकस राइट साइड में होता है। सेकंड फोकस का पोजीशन क्या है, लेंस से राइट साइड में है। अगर इसको ओरिजिन कंसिडर किया जाए, ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन, तो राइट साइड पॉजिटिव होगा, तो सेकंड फोकस जो है राइट साइड है कॉन्वेक्स लेंस में, तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का इसीलिए पॉजिटिव बोला जाता है। जबकि कनकेव लेंस में सेकंड फोकस लेफ्ट साइड में होता है, और लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है। पॉइंट याद रहेगा, सेकंड फोकस की वजह से ही किसी लेंस को का फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड किया जाता है। क्लियर है?